वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि हम ब्लॉगर के अंदर मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे सब मेन्यू जिसे बोलते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ हम ये देखेंगे कि मेगा मेन्यू, जैसे कि यहाँ पे मेगा मेन्यू बना हुआ है, ये कैसे हम बनाते हैं। इसके मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट के अंदर। ये देखें, ब्लॉगर के ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई है और इसका यहाँ पे हम ये मेन्यू बने हुए हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बने हुए हैं, सब मेन्यू जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे देखें ये एक बना हुआ है मेगा मेन्यू। तो ये हमने कैसे क्रिएट करना है इसको, और कैसे आपने मेगा मेन्यू बनाना है। इसके फ्रीलांसिंग के ऊपर ऑर्डर भी आते हैं, या वैसे देखने में भी खूबसूरत लगता है। अगर आप अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर ये मेगा मेन्यू बनाना चाहते हैं तो हम ये कैसे बनाएंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे, चलते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। वेलकम बैक। आपने आ जाना है अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे आपने एक डमी पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डमी पोस्ट एक क्रिएट की हुई है, सिंपल आपने यहाँ पे कोई भी टाइटल दे देना है, कुछ भी दे देना है, और जितनी भी आपकी जो लेबल्स हैं वो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है पहली डमी पोस्ट के अंदर, क्योंकि ये लेबल्स बनेंगी तो लेबल्स के आगे ही आपने मेगा मेन्यू शो करना है। अगर किसी भी यहाँ से लेबल का आप मेगा मेन्यू बनाना चाहते हैं या मेन्यू बनाना चाहते हैं या ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो वो आपके माइंड में ऑलरेडी एक नक्शा सा मैप सा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि किस लेबल को आपने मेगा मेन्यू में शो करना है। यहाँ पे आपके लेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। लेबल क्रिएट होने के बाद आप क्या करते हैं, इस वेबसाइट में आपको चेक करा लेता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लेबल्स क्रिएट कर ली, ये देखें ये लेबल्स, ये कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती हैं। अब जिस भी कैटेगरीज को आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ से मेगा मेन्यू के अंदर शो करा सकते हैं, उसके अंदर फीचर के अंदर शो करा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे मेन्यू, सब मेन्यू या मेगा मेन्यू में शो करा सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये मेन्यू कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट में कोई भी आपकी टेम्पलेट हो, ब्लॉगर की टेम्पलेट, किसी भी टेम्पलेट को आप कस्टमाइज करना करने लगे हैं, कोई भी टेम्पलेट, जो भी आपकी टेम्पलेट हो उसके अंदर आप यहाँ पे मेगा मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है टॉप नेविगेशन लिंक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है मेन मेन्यू, ठीक है, ये हॉट पोस्ट है, ये मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के अंदर आपने यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपका जो है पोस्ट आती है। अच्छा, ये सारा कुछ मैं यहाँ से खत्म करने लगा हूँ, एक दफा सारा मैं डिलीट करके आपको नए सिरे से बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ से ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं डिलीट, सारा कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, और आपको नए सिरे से मैं सारा कुछ सिखा देता हूँ कि ये पहली बात है कि लेबल्स कैसे बनते हैं, और बाद में आप ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब सेव करके एक दफ़ा मैं चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये सारे जो है मेन्यूज हैं ये खत्म हो गए, सिवाय होम पेज के। आगे मैं मेन्यू बनाने लगा हूँ। अब जिस भी लेबल का आप मेन्यू बनाने लगे हैं, पहले आपने लेबल देख लेना। यहाँ पे आते लेबल्स, यहाँ पे आप क्या शो करना चाहते हैं, पहले मोटिवेशन है, कोई ऐसी पोस्ट जिसके आप करना चाहते हैं, जैसे टॉप स्टोरीज में मैं रखना चाहता हूँ टॉप पे, और उसके बाद ये स्पोर्ट्स सोशल इश्यूज को उसके अंदर सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ। टॉप स्टोरीज को मैं सबसे पहले रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टॉप स्टोरीज को यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा। ये देखिए टॉप स्टोरीज को ओपन कर लूँगा। एक तो ये तरीका है, इसका जो लिंक है इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से मेन्यू बनाने के लिए, लेबल और टॉप स्टोरीज तक, यहाँ तक। या अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो पहले अपनी वेबसाइट का लिंक, उसके बाद स्लैश सर्च, उसके बाद लेबल, लेबल के बाद लेबल का नाम, अगर स्पेस है तो उसके अंदर परसेंटेज का निशान लग जाएगा, %20, अगर स्पेस नहीं है तो सीधा नेम। उससे बेहतर है कि आप लेबल को खोल लें, उसका लिंक जो आप कॉपी कर लें यहाँ तक। इसको मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेता हूँ। अब लेआउट के अंदर चला जाता हूँ और मेन मेन्यू के अंदर मैं चला जाता हूँ। ये देख मेन मेन्यू आ गया, इसमें मैं यहाँ पे लिंक लगाने लगा हूँ, तो ऐड न्यू आइटम, न्यू आइटम में मैं क्लिक करूँगा, और जहाँ पे मेरा नाम था यहाँ पे टॉप स्टोरीज कर देता हूँ, टॉप स्टोरीज, ठीक है। जिस तरह भी आप बड़ी एबीसी छोटी एबीसी करना चाहते हैं वैसे कर दें, और वो जो लिंक आपने कॉपी किया वो साइट का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका मेन्यू बन जाएगा सेव। कैसे बन जाएगा मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको एक दफ़ा। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे होम है, तो होम के साथ देखें ये टॉप स्टोरीज मेरा एक मेन्यू बन गया। अब बाकी जो लेबल्स हैं, जैसे टॉप स्टोरीज के अंदर टेक न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, सोशल इश्यूज है, इसको ना मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ। ये मेन्यू बन गया, इसके नीचे मैं सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ इन कैटेगरीज को। अब टेक न्यूज़ को पहले मैं लेके आता हूँ, टेक न्यूज़ को पहले मैं यहाँ से खोल लूँगा, ओपन कर लूँगा जैसे पहले मैंने किया था। यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगा, इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, HTTP भी आपके साथ आना चाहिए, HTTPS, इसको यहाँ तक सवाल निशान से पहले तक मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी, दोबारा मैं जाता हूँ और दोबारा अगेन मैं मेन्यू के अंदर जाता हूँ, जो मेरा लेबल अभी मैंने बनाया टॉप स्टोरीज, इसके नीचे मैं ऐड न्यू आइटम करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, या यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ, तो ये टेक न्यूज़ है, तो यहाँ पे मैं टेक न्यूज़ नेम दे देता हूँ, टेक पेस्ट न्यूज़। अच्छा, अब ये इसका अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो ये भी मेन्यू बन जाएगा इसके बराबर। अगर मैं इसके अंडर लेके आना चाहता हूँ, सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो टेक न्यूज़ है इसके नीचे एक अंडरस्कोर वाली लाइन लगा दूंगा, जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली नीचे वाली, डैश वाली नहीं, अंडरस्कोर वाली नीचे वाली लाइन लगा दूंगा एक सिंपल, तो ये मेरा इसके अंदर से सब मेन्यू बन जाएगा। सेव कैसे बोला मैं आपको चेक करा देता हूँ, या मैं सेव करूंगा, अगेन मैं न्यूज़ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इसके नीचे ये आ गया टेक न्यूज़।
ये देखें ना, ड्रॉप डाउन बटन बन गया अब, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मेन्यू कैसे बनाते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, एक दफा दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स को भी मैच के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स लेबल को यहाँ तक सवाल निशान से पहले तक मैं क्लिक करके कॉपी कर लूंगा यहाँ से, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, कॉपी किया। दोबारा मैं लेआउट के अंदर गया, मेन मेन्यू के लिंक्स पे मैं गया, इसको मैंने एडिट किया। ऐड करने के बाद जहाँ टेक न्यूज था उसके नीचे मैंने ऐड न्यू आइटम किया, वहाँ पे मैंने ये लिंक पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका लेबल का नाम दे दिया स्पोर्ट्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये मेरा मेन मेन्यू बन जाएगा। अगर इसको भी मैं सब मेन्यू बनाना चाहता हूँ तो इसके नीचे अंडरस्कोर वाली लाइन डाल दूंगा, एक लाइन, ठीक है। अगर इसकी भी मैंने लेबल बनानी है तो ये लाइनें मैं डबल कर दूंगा, तो ये टेक न्यूज का भी मेन्यू बन जाएगा, सब मेन्यू बन जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्योंकि जरूरत नहीं है तो इसमें सेव कर दूंगा और यहाँ से सेव कर, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें स्टोरीज के अंदर टेक न्यूज और स्पोर्ट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या है मेरे पास, स्पोर्ट्स भी आ गया, टेक न्यूज भी आ गया, सोशल इशूज हैं और मोटिवेशन है। मोटिवेशन बाकी ये आपने दोनों खुद से कर लेने हैं। इसको मोटिवेशन को या फैशन को मैं मेगा मेन्यू बनाना चाहता हूँ। आप देखेंगे मेगा मेन्यू कैसे बनता है। तो फैशन को जो है मैं मेगा मेन्यू बनाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये फैशन मेरी कैटेगरी है, इसको यहाँ पे मैं मेगा मेन्यू बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा, अगेन कंट्रोल सी, लेआउट में जाऊँगा, फिर मेन मेन्यू में जाऊँगा और अब मैं मेगा मेन्यू बनाने लगाऊँ, ठीक है। मेन मेन्यू लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम करूँगा। अब मेगा मेन्यू का मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं जैसे फैशन है तो मैं फैशन दे देता हूँ, या मेगा मेन्यू में दे सकता हूँ मैं नाम फैशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला लिंक नहीं पेस्ट करना आपने, ठीक है। अब फैशन कैटेगरी का जो सिर्फ नेम है ना वो आपने ले लेना, ये वाला जो नेम है आपने ले लिया, ठीक है। इसको आपने यहाँ से खत्म कर देना, फैशन जो कैटेगरी आपकी, उसके बाद ये स्लैश दे देना है आपने, स्लैश के बाद यहाँ पे आपने लिख देना मेगा मेन्यू, मेगा फिर डैश मेन्यू ऐसे, तो ये फैशन के अंदर ये मेगा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा इसका ऑटोमेटिकली। यहाँ यूआरएल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी का नेम, लेकिन ये भी ख्याल करना है जो एबीसी की स्पेलिंग बड़े हैं या छोटे हैं वो आपने ख्याल करना, मेगा मेन्यू ऐसे आपने टाइप कर देना और इसको आपने सेव कर देना। ये मैंने सेव कर दिया, तो ये यहाँ पे आपका मेगा मेन्यू बन जाएगा। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये मेरा मेगा मेन्यू, ये देखें ये वहाँ पे आ गया, क्यों अभी पोस्ट नहीं पड़ी हुई, तो ये यहाँ पे मेरा मेगा मेन्यू क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखा आपने ये मेन्यू, सब मेन्यू और मेगा मेन्यू, यहाँ से ऐसे फैशन के अंदर मैंने मेगा मेन्यू क्रिएट कर दिया। इसी तरह से आप और भी डिफरेंट किस्म के मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।